थक गए? नहीं थके, गर्मी और अभी गैल हो लिया, खा लिया ना। हालत तो बहुत खराब हो गई है, गर्मी है बहुत। बच्चों तुम्हारी हम वीडियो बनाए बढ़िया से, चलते हैं हम आमिर को किले के ऊपर। ये बेटा मैं कहाँ यार, तुम भगे भगे डोल रहे हो, साथ में चलो। अपना कवर हो गया है लेकिन हालत बहुत खराब हो गई है, गर्मी है बहुत ज्यादा। ये देखो ये आराम से बैठे हुए हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अभी किले तक पहुंचे नहीं। ऊपर जो एंट्रेंस है वहां तक जाएंगे, फिर पहुंचेंगे, फिर और ऊपर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आप धूप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी आधी दूरी पूरी नहीं हुई और इनकी हालत आ गई बाहर। घुटने जवाब दे चुके तुम लोगों के भाई, जब तो कह रहे थे पहाड़ पे चढ़ाओ पहाड़ पे चढ़ाओ। अब ये देखो घंटा होने वाला है, हम जब तक यहाँ तक ही पहुँचे हैं। ये देखो अभी किला वहाँ पर है, वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से और ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए। ये खाली यहाँ तक नहीं है पर भी नहीं, इससे टिकट लगेगी, फिर उसके बाद और ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं इतना बस की नहीं है भाई। नहीं नहीं चलना तो पड़ेगा, आए हो तो जयपुर में तो किले ही है, या फिर ये बकरियाँ पापड़ खाते हो। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से पापड़ खा के दिखा रही है आपको, और आवाज भी कर रही है, क्रिस्पीपन इसकी आवाज में ही छलक रहा है। घोड़ा तो पाडल है, तो खाने दे बेचारी क्या खाएगी, चार पॉपकॉर्न खाने से बटर में से मजा आ रहा है। चलो जो गैल होली खा लिए ना। अरे अच्छा अब ये क्या तुम्हारे साथ साथ चलेगी, हमें बताने वाली है। ये देख हाँ, समझदार है बहुत। थक गए? नहीं रुको जरा सबर करो, गर्मी और अब मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट में ऊपर पहुँचूंगा। हाँ तो ये स्टाइल है ना, ये बाबूराव का स्टाइल है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। इसमें ये जीप, इसमें भी बिठा के आपको पूरा ये आमेर का किला दिखाते हैं ना। हमें यार बहुत थक गए हैं और सामने आपको आमेर का किला दिखाते हैं। ये देखो इतना रह गया, तो आप जस्ट हमारे पीछे वो देख पा रहे हैं ना, यहीं पर 7-8 महीने पहले एक बिजली गिरी थी जिसमें काफ़ी सारे लोग मर चुके थे। अब ये बड़ी दुखद घटना थी लेकिन क्या कर सकते हैं, और यार गर्मी बहुत है और कुछ तो कुछ है नहीं। और अभी पता अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा स्लिप हो गया यहाँ से, उसका सर फट गया तो एम्बुलेंस आई थी लेके गई, तो थोड़ा यार मूड अपसेट हो गया। थोड़ा बच्चों को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अपना तो है ही है लेकिन बच्चों का भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। तभी जा रहे हैं देखना, मेरे को तो इतना डर लग रहा है, मैं तो वही कह रही हूँ नीचे चलते बस। अरे नहीं यार थोड़ा सा तो घूम ले, आप जयपुर आए तो ये तो एक किला तो देख ही लेते हैं क्योंकि काफी दूर है यार, ये कोई पास में तो है नहीं। सिर फट गया पूरा, अब क्या कर सकते हैं। देखो अब ये हमारा भी ये मानता है नहीं, कभी इधर भग रहा है कभी उधर भग रहा है। देखो इसको कौन समझाए, सारी बात तो ये है ना। तो प्रवीण अब चलें क्या ऊपर की तरफ, या थोड़ा यहाँ रेस्ट करते हैं। चलो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, एक बार यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों ये सामने है वो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हैं यही है, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। देखो लेक, ये आमेर किले की लेक है सामने, और पीछे हमारे है आमेर का किला। फोटो में आना जरूरी है भाई, क्लियर आना चाहिए ताकि वीडियो अच्छी बन सके। मैंने भी यार चश्मा लगा लिया, नीचे से लिया था 100 रुपीज़ का, तो थोड़ा आँख पे यार धूप जो है ना
उससे कम हो जाए। ये नहीं कहूँगा ये जेन्युइन है, ये बाहर मार्केट में बिकता है यार, हमें भी ना जो मार्केट में सामान बेचते हैं उनका सामान लेना चाहिए। ये नहीं कि सारे ब्रांडेड ही लोग, अच्छे मॉल वगैरह में जाओ तो इन लोगों का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो ऐसे शॉपिंग करते रहें और छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहें। तो चलते हैं फिर किले की तरफ। तो एंट्री होगी हमारी अमीर के किले पे। इतनी सीढ़ियाँ चलने के बाद थक गए। ये देखो तो, और एक इधर, मतलब दोनों गेटों पे इन्होंने ये लगा रखी है तोपे। हमने अमीर के किले में एंट्री कर चुके हैं। परवीन पीछे वीडियो शूट कर रही है और ये पीछे का कुछ ऐसा नज़ारा है। मैं सामने का दिखाता हूँ आपको कि ये है कुछ, और वहाँ सामने से एंट्री होती है, आप देख सकते हैं। और ये कहाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवियों की शूटिंग हुई है। उन्होंने एंट्री करी है घूमने के लिए और बच्चे आ चुके हैं। ये काफ़ी देर से कह रहे थे कब चलोगे, कब चलोगे, कब चलोगे। तो चलो अब चलते हैं, ऊपर नज़ारा है यहाँ का। वहाँ से इतना ऊपर यार चढ़ के जाना पड़ता है। चलो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, कि ऊपर क्या ऐसा राज है देखते हैं, जिसके लिए हम आए हैं। ये है 27 कचहरी। अब ये पता नहीं कौन सी कचहरी है, ये कौन सी कचहरी है, पर जैसे कोर्ट होती है इस टाइप की। ये तो फिर नहीं रही, ये तो कपों को देख रही है। 27 कचहरी है, पता नहीं किस चीज़ की है। ये देखो आपकी ये है शायद, हाँ इस पर यार अधिकतर नया काम चलता रहता है। तो यार इधर से देखो क्या, इधर से कैसा नज़ारा है। चलो देखो दोस्तों यहाँ से देखो, ये पूरा बाग नज़र आ रहा है फूलों का। हाँ हाँ, बीचों बीच। तो इतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं, ये देखो काफी हाइट पर है इस टाइम। क्यों ना थकेंगे, देखो ये पता है इतनी ऊंचाई पे रखने का राज होता है कि सेफ्टी पर्पस से इतनी हाइट पे बनाए जाते हैं किले वगैरह, आपने देखे होंगे। और साइडों में पानी वगैरह की बाउंड्री बनाई जाती है ताकि कोई अटैक ना कर सके। तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि काफी सारे शीशे लगे हुए हैं। और ये वैसे नाम इसका दीवाने खास है, पता नहीं दीवाना कहाँ से और खास कहाँ से, ये तो मालूम नहीं। लेकिन हाँ शीशे काफ़ी सारे, लोग अच्छे अच्छे फोटो ले रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। जमीन तो इसका ध्यान ही चेंज ही नहीं, इसका तो ध्यान ही भटक गया यहाँ आकर के, शीशे की जगमा मुझे पता ही नहीं लग रहा कहाँ पर है। ये है मानसिंह का किले की तरफ जाता हुआ रास्ता। क्या सुनसान गलियां चालू हो गई है, बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये है ऊपर जाने का रास्ता। कभी इधर कभी उधर। ये है मानसिंह महल। आ गए मानसिंह महल के। तो महल कौन सा है यार, समझ में आ रहा है? ये महल ही है ना ये? ये कैसा महल? ये तो अजीब सा महल है, सारा खुला पड़ा है। चलो फिर मानसिंह के किले की छत पे हम आ चुके हैं और सामने का नजारा। वो सामने आप वो देख रहे हैं मीनार से, जब मैं 20 या 25 साल पहले आया था तो उस पे चढ़ गया था, एंट्री नहीं थी, हम चले गए। लेकिन बड़ी, अरे कहना क्या चाहते हो, बड़ी मुश्किल से उतरे। चलो तो फिर वहाँ की तरफ ले चलते हैं, ऊपर तो नहीं जाएंगे अब की बार। 20-25 साल पहले मतलब आप कितने के थे? मैं फ्री का था जब, अब मेरे पैसे लगते हैं। तो चलो अब चलते हैं उस मीनार की तरफ। आओ बच्चों सारे आ जाओ पीछे पीछे मेरे। आ रही है। तो देखो यार
राजा महाराजा शायद उस टाइम पे ज्यादा ही कमजोर थे, गलियां बड़ी छोटी छोटी बनवा रखी है। अब पता लगा कितने सेहतमंद थे। ये देखो भैया यहाँ के धरोहर को बचाते हुए। तो चलते हैं भागे, पर भी एक्साइटेड है। कहाँ पे चढ़े थे इन्हें अब बताओ। अबे जेब में क्या रख दिया चुपचाप, बता नहीं रही। पर्स रख दिया हम, ये कौन सी जगह है? इसमें लिख रखा है कि ना तुलसी की ना पूजा करी जाती है ना हमारे उसके इंडिया के उसमें, इंडिया के उसमें, इंडिया में तुलसी की ज्यादा पूजा की जाती है, उसकी मान्यता ज्यादा हिंदू धर्म में। हाँ, तुलसी की ज्यादा पूजा की जाती है। अधिकतर ये एक भगवान के रूप में इसको पूजा जाता है, राजा महाराजा। तो उस टाइम पे भी पूजा होती थी, ऐसी बात नहीं है कि अभी होती है। तो ये प्रूफ दिखाने के लिए कि राजा महाराजा भी उस टाइम जी जी बिल्कुल 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 राइट, इसीलिए इनका तुलसी का वो दिखा रखा है कि अब तक तुलसी की सब पूजा करते, पहले भी सब करते थे और अब भी सब करते हैं। ओके, तो वो पूरा आई एग्री। ये देखो ये है खुफिया जगह, ये देखो ये पुराने जमाने का दरवाजा है। अभी हम इसके पीछे जाएंगे, बताएंगे आपको क्या है। ये देखो इसमें भूतों की आवाज आने लगी आपको, ये देखो खूंखार भूत आ रहा है। द हॉरर पैलेस, देखो इसमें भूत है इसमें आ रहा। ये देखो दोस्तों मैंग डर गया, मैंग तो डर गया क्या? कौन है आखिर, कौन है वो जो चिल्ला रहा है? इसको दोस्तों जानना है कि कौन है। मैं डर गया, तू डर गया बंदा? चलो चलो चलते हैं फिर। तो शायद पुराने जमाने के ये दरवाजे हैं जो शीशे से ना कवर किया हुआ है ताकि ये सेफ रह सके, है तो पुराने जमाने का है ना, पर भी पुराने जमाने का ही ताकि इसको सेफ रखा जा सके। ये देखो दोस्तों नटराज की मूर्ति, कितनी बड़ी कढ़ाई है। कितनी बड़ी कढ़ाई होगी परवीन, तू बना देगी खाना इसमें? बनाएगा भी? लोगों का तो खाना बन जाएगा इसका। परवीन बना सकती है खाना इसमें? नहीं बना सकती, गैस चाहिए। गैस नहीं इसमें, तो अगर गैस भी छोटी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी नीचे जब जाके बनेगा, है ना, बहुत पड़ेगी। और सामने देखो दो दो कढ़ाई है, इसमें किसका खाना बनता होगा? बावर्ची बन जाता होगा। देखो ये एक्चुअली क्या होता था, ये मधुमक्खी मसाले। ओहो बहुत बड़ी कटाई। चलो परवीन आओ। ये दोस्तों म्यूजियम भी है, मैं टच नहीं करना, टच नहीं करना। ओ बोलने वाला नहीं है बंदर। पॉइंट आ चुका है यार, हम निकलते हैं बाहर की तरफ, वहीं आ गए ना चौक में। आमेर का किला का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना, सारा आपको टूर करा दिया जितना हमारे पे हो सका, क्योंकि यार बहुत थक चुके थे, सारी चीज़ डीपली नहीं बता सकते थे। तो परवीन तेरे को कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ? अच्छा लगा, अच्छा लगा, मज़ा आया।
और थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने दिखाने की भी कोशिश करी आपको। तो ये अच्छा लगा कि तुलसी का उन्होंने बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुलसी का पौधा भी लगा के उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पूरा लिख भी रखा था वहाँ पे कि तुलसी की पूजा पहले से जमाने से पूजा पहले से मतलब हर चीज में उपयोग करा जाता, दवाई जड़ी बूटी वगैरह में तुलसी की पूजा करते थे। तो चलो दोस्तों फिर अब चलते हैं, यहाँ का कंप्लीट आपको बताना कैसा लगा टूर। तो चलो नेक्स्ट आगे दिखाएंगे आपको अगले ब्लॉग में।